Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Soumya Iqtidar and I'm working as Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. आज हम जिस पर बात कर रहे हैं एक वो बहुत ही हॉट और बर्निंग इशू है जो हर तरफ जिसका शोर है और लोग बहुत पैनिक भी कर रहे हैं विच इज़ द नोवल कोरोना वायरस जिसका एपिडेमिक जो है अभी आपने देखा कि चाइना की जो सिटी वुहान है उसमें आया हुआ है. थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए लोगों को ये हम आज बात करें कोरोना वायरस पे. कोरोना वायरस एक्चुअली पहले से दुनिया में मौजूद है और इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं वो इन्फेक्ट भी करती रही हैं. जैसे आपको याद होगा कि सार्स एक दफ़ा बहुत सीवियर डिजीज़ की फॉर्म में आया था, दैट्स ऑल्सो अ कोरोना वायरस. फिर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स कोरोना वायरस ये भी हमारे पास कुछ साल पहले आया था जिसने बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज की थी और बहुत ज़्यादा डेथ्स भी इसके साथ रिपोर्टेड थी. अब रिसेंटली चाइना की सिटी वुहान में एक केसेस सामने आए जिसके अंदर एक नया वायरस जिसे हम नोवल कोरोना वायरस, सो नोवल का मतलब होता है कि न्यू वायरस है. ये न्यू है क्योंकि इसलिए अभी इसका नाम भी डिसाइड नहीं किया गया. कुछ लोगों का ख्याल है इसे हम वुहान कोरोना वायरस कहना शुरू कर दें. सो ये फ़िलहाल लेबल्ड है एज 2019 नोवल कोरोना वायरस. ये वायरस की एक ऐसी किस्म है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करती है, यानी कि सांस और गले की ख़राबी, खांसी और इन अलामात के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं. पहली दफ़ा ये केसेस जब वुहान सिटी में देखे गए तो उन्होंने ट्रेस किया तो एक सी फूड की मार्केट थी या एनिमल्स जहाँ पे गोश्त और मीट मिलता है वो, और वाइल्ड एनिमल्स भी उस मार्केट में अवेलेबल थे. तो ये ट्रेस किया गया कि जितने भी पेशेंट्स इन्फेक्ट हुए हैं उनका वहाँ से कॉन्टैक्ट रहा है, या उन्होंने मीट कंज्यूम किया है या वहाँ पे गए हैं. और फिर ये हॉस्पिटल्स में जब रिपोर्ट होते गए तो फिर इनकी जो आगे से कॉन्टैक्ट्स थे, यानी कि जिनके साथ थे घर के और लोग या फ्रेंड्स या जिनके साथ वो काम करते थे कोलीग्स, उन लोगों में भी ये वायरस के सिम्टम्स पाए गए. ये वायरस टिपिकली एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है. जब हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहती हूँ तो इसका मतलब है कि नाक का बंद होना, फ्लू की कैफियत, गले में खुश्क खांसी का होना और सांस में दिक्कत होना. उसके बाद जब ये शदीद फॉर्म इख्तियार कर लेता है तो सीवियर डिजीज़ में ये वायरल निमोनिया कॉज करता है जिसमें आपके फेफड़े मुतासर होते हैं और निज़ाम तनफ़ुस या सांस लेने का जो निज़ाम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जिससे मरीज़ सीरियस हालत में हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होते हैं. तो ये इसकी अलामात भी मैंने आपको साथ ही बता दी. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि किन लोगों में आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये कोरोना वायरस नोवल 2019 कोरोना वायरस की टाइप तो नहीं है. देखिए, ऑल्दो ये शुरू हुई चाइना की सिटी से, लेकिन आपको पता है वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जो कि एक ग्लोबल विलेज बन गया है. इतना ज़्यादा ट्रैवल है, इतने ज़्यादा कनेक्शंस हैं ट्रैवलिंग के, एयरपोर्ट्स के थ्रू, रोड्स के थ्रू, सी के थ्रू, कि लोग आराम से एक मुल्क से दूसरे मुल्क कुछ घंटों के सफ़र में पहुंच जाते हैं. एंड चाइना इज़ सच ए बिग कंट्री, वहाँ पे लोग आते भी हैं बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए, ट्रैवल के लिए, स्टडिंग के लिए स्टूडेंट्स, और वहाँ से लोग और भी दुनिया के ममालिक में बहुत ट्रैवल करते हैं. सो यही वजह है कि ये वायरस चाइना के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर देखा गया, जिनमें सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इसके अलावा अमेरिका में केस रिपोर्ट हुआ, सो ताइवान में केस रिपोर्ट हुआ, हांगकांग में रिपोर्ट हुआ. सो अनफॉर्चुनेटली हम इसको कंटेन नहीं कर सकते बिकॉज हम ह्यूमन मूवमेंट को कंटेन नहीं कर सकते. कुछ सस्पेक्टेड केसेस जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द के कंट्रीज़ में भी रिपोर्ट हुए हैं. एक केस जो है वो पाकिस्तान से भी सस्पेक्टेड रिपोर्ट है. सो इसको कंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले ये पता हो कि ये वायरस कैसे फैल रहा है और इसकी तशखीस फौरन की जा सके. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये न्यूअर वायरस है सो इसको रेडीली टेस्ट करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, और पाकिस्तान में फ़िलहाल हमारे पास इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. सो घबराएं ना, लेकिन कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे हैं जिन पे आपको इन एनी केस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए. सो अगर मरीज़ को खुश खांसी, ज़ुकाम के साथ शदीद सांस में दुश्वारी हो या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो
और बुखार जो है वो तेज़ हो तो फौरन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करके डॉक्टर को एक दफ़ा मुआयना ज़रूर कराएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये कोरोना वायरस होगा, पर होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनका कांटेक्ट रहा हो किसी ऐसे मरीज से जो कि कंफर्म्ड केस था कोरोना वायरस का, या फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो टू चाइना, या फिर वो किसी ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम करते हैं जहां पर बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट्स जो अनआइडेंटिफाइड थे वो एडमिट हुए थे। सो ये वो केसेस हैं जिन्हें हम कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। इन पेशेंट्स में अगर सिम्टम्स डेवलप हों जिनमें फीवर, कॉफ, फ्लू और इसके अलावा सांस में दिक्कत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर ब्लड प्रेशर का गिरना सीवियर फॉर्म में और गनूदगी का होना और सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होना शामिल है, तो इनको फॉरन हॉस्पिटल फैसिलिटी में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि इनके रेलिवेंट टेस्ट हो सकें और इनका ट्रीटमेंट किया जा सके। अब बात करते हैं कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सके, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, और इस बीमारी में तो प्रिवेंशन ही है हमारे पास, बिकॉज वी डू नॉट नो द क्योर। अभी हमारे तक कोई ऐसी इत्तलात मुसद्दिक नहीं है कि ये कोई दवाई या कोई वैक्सीन या कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जो इसको क्योर कर सके। सो देयर इज ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सो फॉर द टाइम बीइंग वी शुड ओनली एम्फसाइज ऑन प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज़। और प्रिवेंशन वही है जो बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन होती है, जो बाकी वायरल इन्फेक्शंस जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलते हैं उनकी इन्फेक्शन होती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि आपकी बॉडी सिक्रीशन से फैलता है, तो छींकते वक्त, खांसते वक्त अपने मुंह को रुमाल से, टिश्यू पेपर से ढांप के रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और हैंड हाइजीन पे बहुत जोर दें। मैं हमेशा बताती हूँ कि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम सिर्फ प्रॉपर तरीके से हाथ धोने की आदत डाल लें। सो हाथ धोने के स्टेप्स भी मैं अपने नाज़रीन को एक दफ़ा बताना चाहती हूँ। हाथ आप बार बार धोइए, साबुन से धोइए और एटलीस्ट 20 सेकंड्स जो हैं वो आपको हैंड वॉशिंग के लिए सर्व करने चाहिए। इसके अलावा जो अल्कोहल बेस्ड रब्स होते हैं जिन्हें सैनिटाइजर्स कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपके हाथ सॉइल्ड हैं सिक्रीशन से, तो बेहतर है कि आप उसको प्रॉपरली वॉश करें सोप एंड वाटर के साथ। लेकिन अगर सॉइल्ड नहीं है या सिक्रीशन से या लेकिन सिर्फ शक है, तो आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथ धोते वक्त कुछ स्टेप्स हैं, बच्चों को भी सिखाइए, बड़ों को भी सिखाइए और इनको अपनी डेली प्रैक्टिस में, रूटीन लाइफ में अपनाने की कोशिश कीजिए। उन हाथों को धोने का तरीका ये है कि पहले आप पामर सर्फेसिस को हाथ से धोइए, डॉर्सल सर्फेसिस को दोनों तरफ से धोइए, ठीक है। उसके बाद ये इंटर डिजिटल जो आपकी क्लेफ्ट्स होती हैं, ये जो स्पेसेस होती हैं वेब स्पेसेस हैंड्स के बीच में, इनको ज़रूर वॉश कीजिए। अपने जो नेल्स हैं इनके दरमियान सिक्रीशंस फट जाती हैं, तो इन नेल्स को ज़रूर वॉश कीजिए। अपने नकल्स को ज़रूर वॉश कीजिए, थंब को कभी ना भूलिए, ठीक है। और फिर ये रिस्ट का एरिया है, सो इनको आप प्रॉपरली वॉश करें हैंड्स को। क्लीन वाटर और सोप जो है वो सबसे अच्छा है, अल्कोहल बेस्ड रब्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉफ एडिकेट्स में ये है कि जब आप खांसते हैं तो आप, ये तो एक तरीका ही है कि आपने टिश्यू पेपर या रुमाल से अपने आप को ढकना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये जो आपकी ये इस तरह आप अपने एल्बो के बीच के अंदर जो है वो कवर कर सकते हैं ताकि आपके हैंड्स जो हैं वो कंटेमिनेट ना हो। बिकॉज एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है कि आपने छींका और वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट किसी और इंसान के बॉडी के साथ इन कॉन्टेक्ट आया और वो इन्फेक्टेड हो गया, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपने छींका किसी सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे छींकने या खांसने से सिक्रीशन जिस जगह पे जमा हो गई, अब कोई और आदमी वहाँ बैठा, उसने उसको हाथ लगाया, तो फ्रॉम दैट टच वो सिक्रीशन उसके हाथ पे ट्रांसफ़र हो गई। और ये ट्रांसफ़र अगर उसने अपना नाक साफ़ किया या आँखों पे हाथ लगा लिया या ज़बान को टच कर लिया या लिप्स को टच कर लिया, तो थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन्स वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उस बंदे में इन्फेक्शन कर सकते हैं। सो ये वायरसेस बड़े विरुलेंट होते हैं, ये फ़ौरन से आप कैच कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं।
جن کی قوت مدافعت کم ہے, جنہیں اور بیماریاں ہیں جیسے کہ شوگر کا مسئلہ ہے یا کوئی امیونو سپریسنٹ ڈرگز پہ ہیں یا جن کو پہلے ٹی بی رہ چکی ہے یا وہ مریض جو کینسر میں مبتلا ہیں یا بہت اولڈ ایج کے پیشنٹس یا دائمی امراض کے مریض جیسے گردے کے مریض یا جگر کے مریض ہوتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ جو ریسپریٹری ٹریکٹ کی پرابلمس کے ساتھ پیشنٹس ہوتے ہیں, جنہیں استھما ہے, جنہیں سگریٹ پینے کی وجہ سے سانس کا اور نظام متاثر ہے, جن کو میں نے بتایا ٹیوبرکلوسس ہے, یا پھر کوئی بھی پھیپھڑوں کی بیماری ہے, اور ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سیویئر ڈیزیز ہوگی اور خدا نخواستہ اس میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے. ایک اور بات جو میں امپورٹنٹلی کرنا چاہ رہی ہوں کہ پینک نہ کیجیے, لیکن احتیاط ضرور کریں, ویجیلنٹ ضرور رہیں. آپ کو سائنز اینڈ سمپٹمس پتہ ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزیز کے سائنز اینڈ سمپٹمس آؤٹ آف پروپورشن لگ رہے ہیں, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معمولی زکام نزلہ سے زیادہ کوئی کیفیت ہے اور کھانسی بہت شدید ہے یا سانس جو ہے لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہے, تو پلیز فوراً ایک تو اپنے آپ کو پبلک کے لیے اویلیبل کر کے سورس آف انفیکشن نہ بنائیے, گیدرنگس کو اوائڈ کیجیے, بہت زیادہ باہر جانا اوائڈ کیجیے تاکہ آپ اور لوگوں کو انفیکٹ نہ کر سکیں, اور دوسرا فوراً ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں رپورٹ کریں تاکہ آپ کو پراپرلی ایویلیویٹ کرے ایک میڈیکل پروفیشنل اور پھر اس کے مطابق آپ کا ڈیسیژن لیا جا سکے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت اس کی ٹیسٹنگ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, بٹ گورنمنٹ از ٹرائنگ کہ وہ اس کی فیسلٹی اسٹیبلش بھی کریں, لیکن فار دا ٹائم بینگ جو سیمپلس ہیں وہ باہر کے ملکوں سے ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں. اس وائرس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ آپ کی سانس کے نظام کو متاثر کرتا ہے, تو آپ تھوک کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں, نیزو فرنجیل یا اورل سویب لے سکتے ہیں. نیزو فرنجیل یعنی کہ ناک اور گلے کے پچھلے حصے کو, وہاں سے آپ سیکریشنز اکٹھی کرتے ہیں, نظام تنفس کی جو آپ کے لنگس کے اندر ہیں وہاں سے سیکریشنز اکٹھی کر سکتے ہیں, یا پھر تھوک کا ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. پی سی آر کا ٹیسٹ ہے جو ہم آفر کرتے ہیں, وائرسز کے لیے پی سی آر کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کیونکہ ابھی یہ سہولت میسر نہیں ہے, تو حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ اسٹیبلش کرے کرونا وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی فیسلٹی اور وائرل لیب بنائے, لیکن فار دا ٹائم بینگ باہر کے ممالک جہاں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے وہاں سے یہ ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں. لیکن ٹیسٹ آپ کو کنفرمیٹری ہوتے ہیں اور اس میں 3-4 دن کے ٹائم لگتا ہے رپورٹ آنے میں. ان دی مین وائل پیشنٹ کو جو ہے وہ فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ انفیکشن اور مریضوں کو جو ہاسپٹل میں داخل ہیں ان کو ٹرانسفر نہ ہو سکے, اور ان کو آئسولیٹ علیحدہ کمرے میں کرتے ہیں, جو ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, جو نرسنگ اسٹاف ان کو اٹینڈ کرتا ہے, ان کا اسپیشل پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے جو کہ وہ ویئر کرتے ہیں ان دا فارم آف گوگلز, ماسک, گلوز, گاؤن, شوز, اور وہ پراپرلی اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی انفیکٹ نہ ہو سکیں اور پھر ان سے باقی لوگوں کو بھی اور خطرہ ہوتا ہے انفیکشن ہونے کا. اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وائرسز کے جنہیں ہم اینٹی باڈیز ٹیسٹ کہتے ہیں, وہ فیسلٹی فی الحال اویلیبل نہیں ہے, چائنا بھی صرف پی سی آر ہی کر رہا ہے. سو ان دا لانگ رن جب تھوڑی سی یہ ڈیزیز ہمیں سمجھ آئے گی, ابھی تو میں نے بتایا یہ نئی ڈیزیز ہے, نیولی ایمرجنٹ ہے, تو اس کی وہ فیسلٹی بھی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی بھی اویلیبل ہو جائے گی ان دا فیوچر, بٹ فار دا ٹائم بینگ ہم نیزو فرنجیل سویب اور سپوٹم سے پی سی آر کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ وائرس ہے. تو یہی میرا میسج ہے لوگوں سے کہ گھبرائیں نہ, لیکن احتیاط ضرور کریں, اور ناٹ اونلی دس کرونا وائرس بٹ اور بھی جیسے انفلوئنزا وائرس ہے, وہ بھی اسی طرح کے سائن سمٹمس کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ بھی نمونیا کر سکتا ہے, اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. سو آپ سیلف ٹریٹ نہ کریں, سیلف میڈیکیشن نہ لیں, سیلف ڈائگنوسز نہ کریں, اور تمام علامات کے لیے اپنے ہاسپٹلز میں, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں رجوع کریں تاکہ آپ کو پراپرلی ڈائگنوز کر کے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مرہم نے یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ پبلک اویئرنیس کے لیے اور لوگوں کی کوئریز کو آنسر کرنے کے لیے یہ سیشن کیا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن ہم بہت سارے لوگوں کو پاس آن کر سکیں, اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. تھینک یو.